नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ दराज धर्म पर। अभी तक मैं कश्मीर में थी, अब मैं जम्मू आई हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग, ये लोग भी जब हम लोग यहाँ पर आए और मैं जब इन स्टूडेंट से बात कर रही थी, ये जम्मू विश्वविद्यालय है, मैं इसके अंदर जब बात कर रही थी यहाँ के स्टूडेंट से, तो ये लोग कह रहे थे जी यहाँ पे बड़ा भेदभाव होता है, नेशनल मीडिया भी भेदभाव करती है। ये दिल्ली से आते हैं और सीधा कश्मीर जाते हैं, कवरेज करके सीधा श्रीनगर से फ्लाइट पकड़ के वापस दिल्ली पहुँच जाते हैं। कोई भी जम्मू आके उस तरीके से कवरेज नहीं करता है और जो जम्मू की परेशानियाँ हैं वो हम आप लोगों तक नहीं पहुंचाता है। तो मैंने ये सोचा कि चलिए हम तो जम्मू में जाकर के थोड़ी सी कवरेज ज़रूर करते हैं, तो मैं इन लोगों से बातचीत करूंगी। ये सब जम्मू के हैं और कुछ लोकल हैं, मतलब सिटी के ही हैं, कुछ दूसरे इलाकों से भी हैं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट से भी हैं जम्मू के। तो मैं इन लोगों से बात करूंगी जम्मू की क्या कुछ प्रॉब्लम है। और जो एक मुख्य बात जो बार बार कही जा रही है जम्मू कश्मीर के इलेक्शन के संदर्भ में, कि भेदभाव होता है कश्मीर और जम्मू के बीच में। जब जम्मू कश्मीर एक स्टेट था तब भी जम्मू के साथ भेदभाव पहले की सरकारों ने किया है। तो मैं इनसे पूछूंगी कि अब यूनियन टेरिटरी बन चुका है, 370 हट चुका है, तो अब आप लोगों के साथ थोड़ी सी इंसाफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिर क्या कुछ पूरा मामला है, हम इनसे बात करके ही समझेंगे। पहले गोस्वामी जी से बात करते हैं। क्या नाम है? मानिक गोस्वामी। बीच में आइए मानिक जी। विधि विभाग से मेरी पढ़ाई चल रही है जम्मू यूनिवर्सिटी के। ठीक है, विधि विभाग जी, मतलब लॉ डिपार्टमेंट से। ठीक है, आप जम्मू सिटी के रहने वाले हैं, बाहर के रहने जी? जम्मू का ही रहने वाला हूँ मैं, जम्मू डोगरा हूँ। डोगरा जी। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने अपने इंट्रो में कहा कि जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि कश्मीर और जम्मू के बीच में भेदभाव हुआ है, ठीक है, सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं, 100% सही कह रहे हैं। देखिए, पहले भी जम्मू के साथ भेदभाव किया जाता था, अभी भी जम्मू के साथ भेदभाव किया जा रहा है। पहले थोड़ा ज़्यादा किया जाता था, अब थोड़ा कम किया जा रहा है। ज़्यादा कैसे किया जाता था वो? पहले ज़्यादा इसलिए किया जाता था कि पहले कोई भी प्रोजेक्ट आता था डायरेक्ट कश्मीर में जाता था, अब ये अब थोड़ा बहुत जम्मू को भी मिलने लगा है। पहले जम्मू को छीन के लेना पड़ता था, अब की जो केंद्रीय सरकार है वो थोड़ा बहुत सोचती है जम्मू के बारे में, दे देती है। जी, जैसे क्या क्या दिया जम्मू को बताओ? जम्मू को IIT मिला, IIM मिला, एम्स मिला, फिर जितने भी बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट थे या बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी वो डायरेक्ट जम्मू में अब आने स्टार्ट हो गई हैं। 370 धारा टूटने के बाद, जो 370 जो एक कलंक था जम्मू कश्मीर के ऊपर, वो टूटने के बाद काफ़ी डेवलपमेंट जो है वो जम्मू संभाग के अंदर हुई है। अच्छा। अगर हम बात करें एजुकेशन फील्ड की, तो एजुकेशन फील्ड में बड़े सारे जो बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट थे वो जम्मू को दिए जा रहे हैं केंद्रीय सरकार द्वारा। कश्मीर में तो थे ही स्टार्टिंग से, लेकिन जम्मू को भी दिए जा रहे हैं। जम्मू एक पहली ऐसी सिटी बनी है जहाँ पे IIT भी है, IIIM भी है, IIM भी है, और जितने भी बड़े बड़े प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट हैं वो हैं जम्मू के अंदर अब। आप कह रहे हो कि 370 एक कलंक था जम्मू कश्मीर के ऊपर। जब मैं कश्मीर के अंदर, आप लोगों ने रिपोर्टिंग देखी है, उसमें लोग कह रहे हैं कि जी इस बार हम जो चुनाव वोट देंगे, और इनमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो फर्स्ट टाइम वोटर है, जो पीछे आपको लड़की दिखाई दे रही है वो फर्स्ट टाइम वोटर है, उसने मुझसे कहा अभी वीडियो शुरू होने से पहले कि मुझे कुछ नहीं आ रहा समझ में, नोटा को वोट देने वाली हूँ, तो मैं उससे भी बात करूँगी कि क्यों उसने ये बात कही है। तो वो मुझे कहते हैं कि जी इस बार जो हम वोट कर रहे हैं, जो इस बार हमें दिख रहा है कि वोटिंग प्रतिशत श्रीनगर में, मतलब कश्मीर के अंदर ज़्यादा हो रही है, तो हम इस वजह से दे रहे क्योंकि हमें अपना 370 वापस चाहिए। आप कह रहे हो कलंक है, कैसे? मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। 370 वो चीज़ है जिसकी अस्थियाँ गंगा में बहा दी गई हैं। जब एक बार किसी की अस्थियाँ बह जाती हैं ना, फिर वो वापस नहीं आता, आप जो मर्जी कर लो। ये जुमले हैं जो NC और PDP द्वारा दिए जा रहे हैं कि हम आर्टिकल 370 को वापस ले आएंगे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। राष्ट्रपति जी के बयान की निंदा करना हुआ ये कि अगर आप बोल रहे हैं आर्टिकल 370 को हम वापस लाएंगे, जब एक बार सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, राष्ट्रपति जी ने बोल दिया अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, तो आप कौन होते हैं आर्टिकल 370 को वापस लाने वाले? और दूसरी चीज़, अगर मैं बात करता हूँ कश्मीर के लोगों की, कश्मीर के लोग तो बहुत कुछ बोलते हैं। कश्मीर के लोग, आपके मैंने इंटरव्यू सुना, कश्मीर के लोग बोल रहे थे हम यहाँ पे मंदिर नहीं बनने देंगे। और सामने में एक चीज़ मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, जो हम हमेशा से कहा जाता है अगर भारत एक सेकुलर देश है तो क्या सेकुलरिज्म का ठेका हमेशा से हिंदुओं ने लिया हुआ है? मुस्लिमों ने सेकुलरिज्म, मुस्लिम्स नहीं मानते हैं सेकुलरिज्म को, वो कोई मंदिर नहीं बनने देंगे और हम यहाँ पे मस्जिदें बनाएं। हम तो कर रहे हैं, हम तो उनको भाई
नहीं मानते हैं अपना। अयोध्या के अंदर सबसे बड़ा कुरान रखा जा रहा है, जो मस्जिद बन रही है बाबरी मस्जिद वहाँ पे, आप सभी को पता ही होगा। और अगर हम कश्मीर की बात करें, जिस प्रकार से एनसी और पीडीपी द्वारा बोला जा रहा है कि जो शंकराचार्य टेम्पल है उसका नाम चेंज करके, वर्बल बोला उन्होंने, उनका नाम चेंज करके तख्ते सुलेमान कर देंगे, आप लोगों ने ठेका लिया हुआ हिंदुओं के टेम्पल का, आप कौन होते हो उसका नाम चेंज करने वाले, मैं आप लोगों से पूछता हूँ। आप लोगों ने पिछले 70 साल में जम्मू कश्मीर को लूटा है, जम्मू कश्मीर को खाया है, जम्मू को कुछ दिया नहीं है। जो डायरेक्ट फंड जाते थे आपकी जेबों में जाते थे, लगाते आप कहीं भी नहीं थे। कश्मीर के लोग तो फिर भी इनको वोट देते हैं। पिछले 10 सालों में जितना कुछ कश्मीर के लोगों को भाजपा की सरकार ने दिया है, उसके बावजूद अगर कश्मीर के लोग अभी भी इंजीनियर रशीद जैसे टेररिस्टों को जिता के असेंबली में बैठाते हैं, तो इसमें इसमें मैं बोलता हूँ कि शर्म आती है मुझे कश्मीर के लोगों को अपना भाई बोलते हुए, कि ऐसी मानसिकता उनकी किस प्रकार की है कि जो एक टेररिस्ट इंजीनियर रशीद को वहाँ से जिता के। अब क्योंकि पहले फारूक साहब उनके फेवर में थे थोड़ा बहुत, मतलब अब वो थोड़ा इंडियन होने लगे हैं, नेशनलिस्ट होने लगे हैं, तो थोड़ा इंडियन क्या, थोड़ा इंडियन ये होता है कि पहले तो वो शरेआम बयानबाजी करते थे भारत के खिलाफ, आप पाकिस्तान से बात करिए, उससे बात करिए, इससे बात करिए, अब क्या वो थोड़ा सेकुलर होने लगे हैं, अब थोड़ा बहुत वो जम्मू के बारे में भी सोचने लगे हैं, तो कश्मीर के लोगों ने उनको भी मक्खी की तरह दूर से निकाल के फेंक दिया और इंजीनियर रशीद को जिताने के लिए अब उसको सीधा असेंबली में बिठा दिया हुआ। जो कि मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, जो व्यक्ति जेल में डिटेन्ड है वो व्यक्ति कितना ही नेशनलिस्ट होगा और वो व्यक्ति क्या सरकार चलाएगा, मुझे बताइए क्या क्या कैसा एमपी बनेगा, वो क्या करेगा कश्मीर के लिए। वो कहते हैं, मैंने बात की तो कहते हैं भगत सिंह भी तो गए थे जेल में। जी भगत सिंह गए थे, भगत सिंह भारत माता के लिए गए थे, जो इंजीनियर रशीद है वो पाकिस्तान के लिए जेल गए, भारत माता के लिए नहीं गया हुआ। वो तो अभी भी शरेआम वो नारे लगाता है कि नहीं पाकिस्तान से बात करो। अब मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, पाकिस्तान चाइना इनकी माँ है और पाकिस्तान है इनका बाप, खाते ये इंडिया का हैं, लेकिन नारे लगाते हैं पाकिस्तान। और नहीं लगता मुझे, पता है कितना ट्रोल किया गया वो, जब मैंने वीडियो शूट किया है पूरी इतनी ट्रोलिंग हुई है मेरी, कि कश्मीर के अंदर जो जर्नलिस्ट है उन्होंने मुझे बोला कि इसको जी डिपोर्ट करो वहाँ से, तो मैं डर नहीं लगा, पढ़ाई लिखाई पूरी उम्र तुम्हारी, डर नहीं लगता। मैं एक राष्ट्रवादी विचार से आता हूँ, राष्ट्रवादी परिवार से आता हूँ, मेरे पापा 50 साल से स्वयं सेवक हैं, मेरे दादू जी स्वयं सेवक हैं, मैं इन चुच्ची जैसे लोगों से डरता नहीं हूँ। मेरे को ये गोली भी मार देंगे तो मैं फ़क्र महसूस करूँगा कि भारत माता के लिए मैंने अपनी जान दी है। और मैं जम्मू की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं पिछले काफ़ी समय से देख रहा हूँ, हम ये सोचते थे कि जब भाजपा की सरकार आएगी जम्मू को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी, लेकिन अभी भी वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं। मेरा नाम केशव शर्मा है। केशव शर्मा, जैसे इस बच्चे से मैंने पूछा कितनी उम्र होगी, 22 साल? जी 23। 23 साल इसकी उम्र है। इतनी सारी बातें इस बच्चे ने कहा, मतलब सारे मुद्दों को, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ आपका घर कहाँ पर है? जी मेरा घर किश्तवाड़ से है। किश्तवाड़ जम्मू में ही आता है? जम्मू में ही आता है। तो क्या मतलब अंतर आप लोग महसूस करते हैं, क्या डिफ्रेंसिएशन कहते हैं कि भेदभाव होता है कश्मीर और जम्मू के, कैसे समझाएंगे लोगों को? जी देखिए, सबसे पहले तो देखिए, आप टूरिज़्म की बात करेंगे तो टूरिज़्म हमेशा कश्मीर की तरफ ज़्यादा देखा गया है। हमारा जो किश्तवाड़ है वहाँ पर एक जगह का नाम बोला मड़वा वाड़वन है, वो कश्मीर से भी ज्यादा खूबसूरत बोलते हैं। क्या नाम बताएं? मड़वा वाड़वन। ठीक है, काफी खूबसूरत है। वहाँ के लिए कभी प्रमोशन की नहीं गई है टूरिज्म के लिए। अच्छी जगह क्यों किया गया? देखिए, पुरानी सरकारों ने पहले प्रेफरेंस दी गई है कश्मीर के लिए। हम जम्मू वासियों को हमको काफी वो इग्नोर किया गया है, जिसकी वजह से इग्नोर किया गया। जी हमें बेसिकली क्या था कि उन्होंने देखा कि हमारा चल कहाँ से रहा है, कौन हमें सपोर्ट कर रहा है। बेसिकली वो जो आइडियोलॉजी उनकी है वो वहीं से उनको सपोर्ट मिल रहा था, तो वो उसी एरिया को सपोर्ट कर रहे थे। हमारी आइडियोलॉजी नेशनलिस्टिक थी, जो बाकी जम्मू डिवीज़न के आप देखेंगे, यहाँ के लोगों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, आपको पता चल जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि अगर इनके लिए करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि हमारे वोटर नहीं है, क्योंकि जो आइडियोलॉजी हमारी है वो इनकी नहीं है। तो इसीलिए बेटर है कि सारा फोकस कश्मीर पर करो। अगर आप क्या हो रहा है अभी, क्या हो रहा है कि अभी जो आपके आसपास के एरियाज़ हैं उनका प्रमोशन किया जा रहा है। जैसे कि जम्मू में ही बसोली जगह है, वहाँ पे एक बहुत अच्छा ब्रिज बना है, वहाँ पे भी लोगों का बताया जा रहा है, उसकी प्रमोशन हो रही है। उसके अलावा हमारे, अगर आप किश्तवाड़ में ही ले लेते हैं, तो काफ़ी सारी ऐसी जो टूरिज़म प्लेसेज है वहाँ तक रोड कनेक्टिविटी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंडर बन रही है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि वहाँ तक एक तो रीच बढ़े, जो प्रैक्टिकल फिजिकल रीच है वो भी बढ़े, और उसके अलावा उनका प्रमोशन भी कंटिन्यूसली किया जा रहा है सोशल मीडिया पर, मीडिया पर, और सरकार के थ्रू, जेके टूरिज़म के थ्रू, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। क्या नाम है आपका? जयवर्धिनी। जयवर्धिनी, हाँ जी ठीक है। फर्स्ट टाइम मैंने अपने मतलब
नाम सुना है, जयवर्धनी, ठीक है, बहुत खूबसूरत नाम है आपका। तो आप कहाँ, जम्मू के ही रहने वाले हो? मैं उधमपुर से हूँ, बट मेरी फैमिली जो है वो किश्तवाड़ से ही है। किश्तवाड़ से ही है, अच्छा। हाँ जी, तो बताओ क्या इस इलेक्शन में कैसा लग रहा है वैसे, पहले तो ये बताओ। सबसे पहले तो ऑलमोस्ट 10 साल के बाद जो है जम्मू कश्मीर में जो है इलेक्शंस हो रहे हैं, एंड काफ़ी इस बारी पॉजिटिव माहौल है इस बारी इलेक्शंस का, क्योंकि मैं खुद फर्स्ट टाइम वोटर हूँ, एंड मेरी बेसिकली ये चीज़ रहेगी कि कहाँ पे मैं प्रोटेक्टेड फील करूँ, क्योंकि 2014 से पहले जो था जम्मू कश्मीर का माहौल बहुत ख़राब था। सीधी सी बात है, स्टोन पेल्टिंग होती थी, उसके बाद टारगेट किलिंग्स होती थी, उसके बाद मैंने अपनी फैमिली से जो है लोगों को शहीद होते हुए देखा है देश के लिए, एंड इसलिए मेरे को वो चीज़ पता है कि टारगेट किलिंग्स का एक पूरी फैमिली पे क्या इफ़ेक्ट होता है, एंड मेरी इसलिए जो है एक ऐसी सरकार को जो है वोट, मेरा वोट जाएगा, जो कि जो है हमें वो प्रोटेक्शन देगा। उसके बाद डेवलपमेंट तो सेकेंडरी चीज़ है, बट अगर आप एक जगह पे रह रहे हो, आप वहाँ पे प्रोटेक्टेड ही फील नहीं कर रहे हो, आपको हमेशा ऐसा रहेगा कि आप सुबह उठोगे भी या नहीं उठोगे, अगर आप एक ऐसे रीजन में रह रहे हो, तो मेरे को ऐसी सरकार चाहिए कि जो मुझे वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। अच्छा, तो ये देखो सीधा सीधा ही मुझे लग रहा है तुम बीजेपी को ही वोट करने वाली हो, तो क्या बीजेपी के अलावा अन्य ही नहीं? देखो ऐसे डबल स्टैंडर्ड बात नहीं, सीधी सीधी बात कह रही हूँ मैं, मतलब ऐसा इसीलिए लग रहा है कि ऐसा है, ऐसा है ना, मतलब ऐसा है कि वो लोग सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, कर रहे हैं, तो दूसरी गवर्नमेंट नहीं प्रोवाइड कर सकती, एनसी या कांग्रेस या फिर पीडीपी, ये सब? जब से इंडिपेंडेंस हुई है, जब से जेएनके की शुरुआत हुई, तब से दो, हमें पता है कि सिर्फ 3 खानदानों ने जो है जेएनके चलाया है, और वो हमें भी पता है कौन सी पार्टीज है, और उस टाइम पे जो जेएनके की हालत थी, स्टोन पेल्टिंग होती थी उस टाइम पे, टारगेट किलिंग्स, क्यों कश्मीर जेनोसाइड क्यों हुआ, क्यों कश्मीरियों को अपना घर छोड़ के जम्मू आना पड़ा, क्यों, मतलब एक भी जो है आज तक हमने ऐसा नहीं सुना कि मुस्लिम टारगेट किलिंग हुई है, क्यों हमेशा हिंदू ही जो है वो मरता है। तो वो चीज़ हमें भी दिखती है कि हमें किसे वोट करना है, किसे नहीं करना है, कौन हमें वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, कहाँ पे हमें सेफ्टी मिल रही है, इसलिए जो मेरा वोट सीधा बीजेपी को जाएगा। आप सही बोल रहे हैं, आई हैव टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर इट, एंड बीजेपी जो है वो ना ही सिर्फ हमारी प्रोटेक्शन देख रही है, वो एक नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी फॉलो करती है जिससे मैं सपोर्ट करती हूँ, इसलिए मेरा वोट जो है बीजेपी। जैसे आप लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र हो, तो जैसे कश्मीर के अंदर, जैसे अभी हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, तो आप लोगों में से कई लोग मुझे कह रहे थे कि बड़ा भेदभाव उधर की कॉलेजेस में होता है, उधर की यूनिवर्सिटीज़ में जब जम्मू के बच्चे पढ़ने जाते हैं, तो क्या कुछ होता है मुझे वो? जैसे कि वहाँ पे अब ऑब्वियसली वहाँ की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, जो वहाँ पे कश्मीर के बच्चे जो ज़्यादा होंगे, एंड वहाँ पे जो है मुस्लिम डोमिनेंट पॉपुलेशन है, तो अब यहाँ के वहाँ पे हार्डली 3-4 बच्चे होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली फैमिली भी वहाँ पे हमें भेजती नहीं है उस वजह से, तो वहाँ पे जो मैचेस के टाइम पे देख लेंगे अगर हम, जैसे आज भी ऐसा होता है, हाँ अभी रिसेंटली हुआ था, तो वहाँ पे वो ओपनली जो है वो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, ओपनली जो है मुस्लिम डोमिनेंट नेशंस को सपोर्ट करते हैं, एंड वहाँ पे जो हमारा स्टूडेंट है, जो हिंदू स्टूडेंट है, वो वहाँ पे जो है कम मात्रा में होते हैं, जैसे तो श्रीनगर में ऐसा, मतलब कश्मीर में कम देखने को मिल रहा है, और जम्मू में ज़्यादा, डोडा वोडा में अभी इतने इनकाउंटर्स वगैरह हो रहे हैं? डोडा में अभी इनकाउंटर्स कम हो रहे हैं, पहले ज़्यादा होते थे, पहले 2014 से पहले जो डोडा की, किश्तवाड़ की कंडीशंस थी। मैम 2013 का एक किस्सा याद दिलाना चाहता हूँ, जैसे 2013 में काफ़ी बड़ा दंगा हुआ था किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में, जिसकी वजह से मतलब एक भगत, अरविंद भगत नाम का एक आदमी था, जिसको इधर पे गोली मार के उसकी वो जो वो इंटेस्टाइन वगैरह वो सारी बाहर, तो आपको, आप समझ सकते हैं कि मतलब क्या क्या होता था। हाँ, और 2018 में जैसे कि परिहार बंधुओं को मारा गया था, और 2019 में चंद्रकांत जी को मारा गया था, तो आप समझ सकते हैं मतलब टारगेट किलिंग्स कैसे होते हैं। 14 से पहले की बात है, ये 14 से पहले की 90s की बात है, बारशाला एक जगह है किश्तवाड़ के रास्ते में आती है, वहाँ पे हिंदू की हर हिंदू फैमिली से, उस विलेज में जितने हिंदू फैमिलीज थे, सबके घर के मेल्स को निकाला था, लाइन में बैठा था, और उनके हेड शूट किए हुए थे। अब वैसी चीज़ें वहाँ कम हो गई हैं, जैसे कि उन्होंने एक और चीज़ बताई थी, सरथल जाते टाइम एक बस थी जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों थे, मुस्लिम्स को अलग किया, हिंदूज उस बस के कहाँ गए, उनकी बॉडीज आज तक नहीं मिली हैं, वो बस पूरी कहाँ गायब होगी, वो चीज़ें आज तक नहीं पता चली हैं। तो ऐसी चीज़ें अगर पहले हो रही थी और वो अब चीज़ें कम हुई हैं, तो हमें भी दिख रहा है कि किस चीज़ की वजह से वो कम हुई हैं, कौन सी गवर्नमेंट जो है उस चीज़ पर एक बैरियर लगा रही है इन चीज़ों पर, तो वो हमारी इस वजह से। लेकिन जब आप दूसरी पार्टीज को सुनते हो कि सिर्फ बीजेपी को ही सुनते हो, किसी को सुनते ही नहीं हो? दूसरी पार्टीज को भी सुनते हैं, हाँ जी सुनते हैं, हाँ। सबके NCPDP का मैनिफेस्टो आया, उन्होंने बोला कि हम हाईवेज पे जितने भी नाके वो हटा देंगे, क्यों, उसकी वजह से कितनी नशा तस्करी होगी, उसके बाद ह्यूमन ट्रैफिकिंग होगी, टेररिस्ट को डिपोर्ट किया जाएगा,
तो वो चीज़ें हम देख रहे हैं कि वहाँ पे के सेफ्टी इश्यूज कितने बढ़ेंगे, वापस वही चीज़ें हो जाएंगी जो 2014 से पहले की थी। तो इस वजह से जो हमारा जो इंक्लिनेशन, ये लोग तो कह रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा ला दी, बेरोज़गारी बहुत ला दिया कश्मीर में, तो इसी का रोना मैं ज़्यादा सुनती हूँ। अब वहाँ पे अपार्ट फ्रॉम बेरोज़गारी, वो लोग बेरोज़गारी की बात कर रहे हैं, उनके पास एक ऑल्टरनेट्स, उनके पास ऑल्टरनेट्स भी हैं, उनके पास टूरिज्म है, उनके पास उसके बाद ज़मीनें हैं। अब एम्प्लॉयमेंट ऐसी चीज़ नहीं है कि जो तुम्हें घर पे बैठ के मिलेगी, उसके लिए तुम्हें हार्डवर्क करना पड़ेगा, तुम्हें बाहर जाना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर उनकी आइडियोलॉजी वही है, उनकी ऑर्थोडॉक्स आइडियोलॉजी है कि उन्हें अगर उनके दिमाग में वो जो 10 साल पहले जो चीज़ भरी गई थी अगर वही उनके दिमाग में, तो वो बाहर जाएंगे ही नहीं, वो काम करेंगे ही नहीं। पहले उनको लोगों को घर बैठ के पत्थर फेंकने के पैसे मिलते थे, अब वो चीज़ उन्हें नहीं मिल रही है, तो उन्हें ये चीज़ नहीं पता कि उन्हें हार्डवर्क करना पड़ेगा, बाहर जाके काम ढूंढना पड़ेगा। तो अनएम्प्लॉयमेंट घर बैठ के अनएम्प्लॉयमेंट ही होगी, उनको बाहर के काम करना पड़ेगा, अपना जो दिमाग है वो सही जगहों पे लगाना पड़ेगा। अच्छा, 370 के लिए जैसे आप लोग उसको वेलकम करते हो, नहीं आना चाहिए, आपने कहा कि गंगा जी में बहा दिए उसकी अस्थियाँ, ये वो ठीक है, काला कानून बोला, लेकिन वो लोग कहते हैं कि जी ये था तो हमारा कल्चर सुरक्षित था, हमारी नौकरियाँ सुरक्षित थी, अब दूसरे प्रदेश के लोग आएंगे और हमारी नौकरियों पर, हमारे ज़मीन पर, हमारे कल्चर को दूषित करेंगे। एग्जाम्पल हैं बाकी स्टेट्स, बाकी स्टेट्स में भी कोई 370 जैसी चीज़ नहीं है, उनका कल्चर प्रिजर्व नहीं है क्या, वहाँ के लोग एम्प्लॉयड नहीं है क्या, जो चीज़ें ये बोल रहे हैं कि वहाँ के लोग वो चीज़ इन्जॉय नहीं कर रहे क्या। तो बाकी स्टेट्स में जब सेम चीज़ फॉलो हो रही है, अभी क्या है कि जो ये क्रीम खाने की आदत हो गई है ना, कि बिना दूध लिए ही सब कुछ, आपको गाय पालनी नहीं है और आपको मलाई खानी है, तो वो आदत हमको छोड़नी पड़ेगी और इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, जो कश्मीर के लोग जैसे बोल रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो गई है, पहले उनको पत्थर मारने के लिए पैसे मिलते थे ना, अब उनके पैसे बंद हो गए तो उनको दिख रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट हो गई है। दूसरी बात इन्होंने बोली कि अभी कश्मीर के अंदर की एक तो अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो गई है, दूसरा कोई सोर्स नहीं मिल रहे हैं, या हमारा कल्चर प्रिजर्व नहीं हो रहा, या आर्टिकल 370 टूटने के बाद हमारा कल्चर प्रिजर्व नहीं हो रहा, इस प्रकार की जो बातें वो कर रहे हैं। पहले उनको पाकिस्तान का झंडा शरेआम उठाने दिया जाता था, हिंदुस्तान का अलग झंडा होता था, इसलिए उनका कल्चर इसलिए प्रिजर्व था कि अब भारत का झंडा लगने से। अब आप देखेंगे पहले जम्मू कश्मीर के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 10 से ज़्यादा तिरंगे कहीं होते ही नहीं थे, अब आपको हर गली नुक्कड़ में, हर बड़े चौक में आपको तिरंगा मिलेगा। लाल चौक में भी रिसेंटली झंडा, पहले लाल चौक में शरेआम पाकिस्तान के झंडे फहराए जाते थे, जो कश्मीर के लोग थे वो खुद फहराते थे, अब वहाँ पर वो चीज़ रुक गई है, इंडिया का झंडा लग गया, तिरंगा लग गया हमारा, तो अब उनको दिख रहा है कि हमारा कल्चर प्रिजर्व नहीं हो रहा। बात तो कहते सब थोड़ी ना इन सब चीज़ों में मतलब मिले हुए रहते हैं, सब थोड़ी ना पत्थर फेंकते हैं, सब थोड़ी ना पाकिस्तान का झंडा उठाते हैं। आप एक अगर कोई एक इंसिडेंट हो गया तो आप उसे सबको कैसे वो कर सकते हो। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ, सब नहीं करते, हम कश्मीर के लोगों को भी अपना भाई मानते हैं, लेकिन 30%, 40%, 50% पॉपुलेशन तो ऐसी है ना मैम, आप मुझे बताइए ये ज़रूरी है, मतलब आप कह रहे हो ठीक है, मुझे बताइए ना आप, जो लोग इंजीनियर रशीद को वोट दे सकते हैं वो लोग कितने ही नेशनलिस्ट होंगे, ये तो सबको दिख रहा ना सामने। इंजीनियर रशीद कौन है? इंजीनियर रशीद वो है जो शरेआम बोलता था पाक भारत तेरे टुकड़े होंगे, जो शरेआम पाकिस्तानी समर्थन के नारे लगाता था, इस प्रकार के जो, वो कितना ही नेशनलिस्ट होगा और लोग कितने ही नेशनलिस्ट होंगे जो उसको वोट दे रहे हैं। मैनिफेस्टो वगैरह देखते हो पार्टी वार्टी का, कि सीधा जैसे जम्मू वाले, मैं भी किसी से बात कर रही थी, वो कह रहे थे कि जी बीजेपी को वोट देना तो हमारा धर्म है, ऐसा कह रहे थे, तो कुछ देखते हो कि अंधा ऐसे बस जाके बटन दबा? ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप मैनिफेस्टो की बात करो तो मैं एक पार्टी होगी, उस पार्टी का लाल रंग का झंडा, उस पार्टी का, मैं उस पार्टी की बात करता हूँ उसके मैनिफेस्टो के अंदर। हाँ जी, एनसी ने मैनिफेस्टो निकाला ना, उसने अपने मैनिफेस्टो में पहले तो ये क्या नाम है, गुमराह किया है कश्मीर की जनता को। सबसे पहले मैं ये बात बताना चाहता हूँ, कश्मीर की जनता को उन्होंने ये चीज़ बोली है कि हम 370 को वापस ले आएंगे, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने बयान दे दिया कि नहीं आ सकता 370 वापस, तो ये सीधा ये बोल दिया उसने कि वो खत्म। उसके बाद सुनिए, उसके बाद ये क्या करते हैं कि 370 हम वापस ले आएंगे, 370 वापस आने से क्या होगा, तिरंगे के साथ एक और झंडा आएगा वापस, आएगा ना, सीधे सीधे हमारे तिरंगे का अपमान है ये। हम नेशनलिस्ट सोच रखते हैं, हम ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद क्या क्या चीज़ बोलते हैं कि हम PSA को हटा देंगे। मैं इनसे सवाल पूछता हूँ, आप मुझे ये बताइए कि PSA लाया किसने था, PSA J&K में लगवाया किसने था, जो एक्ट PSA है उसे इंट्रोड्यूस किसने किया था। उसके बाद ये बोलते हैं कि हम नाके जो लगते हैं ना, हम नाकों को हटा देंगे, जितने भी हाईवे पे नाके लगते हैं, इससे क्या चीज़ होगी, इससे गौ तस्करी बढ़ेगी, पशु तस्करी बढ़ेगी, नशा तस्करी बढ़ेगी, मिलिटेंट्स आसानी से J&K में
स्पेशली जम्मू की बात करूँ तो जम्मू में भी आके रीच आउट कर सकते हैं। मतलब आपका कहना है कि अगर ये सरकार जाती है कोई और किसी की बनती है तो वापस से कश्मीर जम्मू कश्मीर वापस से वही दौर आएगा। मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर उस पार्टी के मैनिफेस्टो के कॉन्सिक्वेंसेस बोल रहा हूँ, अगर ऐसा कुछ हो जाता है, ये मैनिफेस्टो की बातें ये पूरी करते हैं, अगर ऐसा कुछ हो जाता तो उससे ये चीज़ें होंगी। उसके बाद वो क्या चीज़ बोलते हैं मैम, उसके बाद वो पता क्या चीज़ बोलते हैं, बोला था कि हम 4 अक्टूबर को बताएंगे जो जो, अगर आप हमको वोट देंगे तो हम आपको बताएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। तो हम सीधे बताते हैं कि 8 अक्टूबर को हम उसको बता देंगे कि कौन जीतता है कौन नहीं जीतता है। सिर्फ यही एक कारण नहीं है बीजेपी को वोट देने का कि देखिए सुरक्षा तो वो प्रोवाइड कर ही रहे हैं, उनका तो बेसिक मुद्दा ही राष्ट्रवाद है, लेकिन एनसी कांग्रेस और ये जो पीडीपी है इनको सबसे बड़ा जो मुद्दा है हमारा वोट ना देने का वो ये है, क्योंकि एक तो ये डायनेस्टिक पॉलिटिक्स जेएंडके में चला रहे हैं, परिवारवाद यहाँ पर चला रहे हैं। पहले हमने एनसी में देखा शेख अब्दुल्ला फारूक अब्दुल्ला उमर अब्दुल्ला, अब अपने वो दो बेटे तैयार कर रहे हैं जाहिर और जामिर। वहीं चलो ये हाँ मैम पूरा मुझे कम्प्लीट करने दो पहले मैम। उसके बाद ये बोलते हैं कि हम पते क्या करेंगे, ये बोलते हैं कि हम पॉलिटिकल प्रिजनर जो हैं हम उन्हें रिहा कर देंगे। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ पॉलिटिकल प्रिजनर से आप किसका नाम लेना चाहते हो, अगर आप यासिन मलिक जैसे लोगों का नाम लेना चाहते हो ना तो मैम वो मैं नहीं समझता कि उनकी जेल भी जगह है, उनकी जगह क्या है ये आपको कमेंट्स में जनता बता देगी उनकी जगह क्या है। और मैम एक और चीज़, आप भेदभाव की बात स्टार्टिंग में कर रहे थे ना मैम, मैम भेदभाव की मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ बता देता हूँ कि भेदभाव पहले तो होता ही था लेकिन आज भी कहीं ना कहीं भेदभाव हो रहा है, क्योंकि जो सिस्टम होता है ना सिस्टम बदलने में काफ़ी टाइम लग जाता है, 20-25 साल सिस्टम बदलने में लगते हैं, सरकारें 5 साल बाद बदल जाती हैं। मैम इसकी एग्जांपल एक ये है कि हमारा माइनिंग डिपार्टमेंट है जेएंडके का, आपका ध्यान में होगा ठीक है मैम, उसके अंदर ना कुछ एम्प्लॉयज़ होते हैं मैम, वो ना कोर्ट केस करके ना एक प्रमोशन लेते हैं। उसका इशू ये था कि जिसने 7 साल तक टेक्निकल वर्क किया ना उसको मतलब एक ITI के बराबर का उसको क्वालिफिकेशन मिल जाती है और उसके बेस पे उनको प्रमोशंस मिली थी, यहाँ कश्मीर के लोगों को भी मिली जम्मू के लोगों को भी मिली। अब वो जो लोग रिटायर हो रहे हैं ना मैम, तो कश्मीर के जो लोग हैं ना उनकी AG ऑफिस से लग रही है पेंशन, लेकिन जो जम्मू के लोग रिटायर हो रहे हैं ना उनकी पेंशन नहीं लगाई जा रही है। इसका कोर्ट में केस लगा हुआ है, कोर्ट ने फटकार भी लगाई AG ऑफिस को और ये पूरा कहा है कि आप क्यों नहीं लगा रहे हो। उसके बाद जो ये माइनिंग वाला डायरेक्टर है ना इससे भी सवाल किया गया कि अगर आप वहाँ लगवा रहे हो कश्मीर में तो आप यहाँ के जम्मू के जो डोगरे हैं उनकी क्यों नहीं आप लगा रहे हो। तो सीधा सीधा ये कोर्ट में उन्होंने केस किया कि सीधा सीधा कश्मीर के लोगों के साथ और जम्मू के लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है। तो ये मैंने यहाँ के लोगों से बच्चों से बातचीत की जो मैंने आप लोगों के बीच रखा, और अगर अच्छा लगा हो तो क्या कुछ आप लोगों को लगा ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताइएगा। धन्यवाद।